पिन एंड स्लेन मूवी शुरू होती है और हमें एक अबैंडन घर को दिखाया जाता है। तभी कुछ लुटेरे यहाँ छिपने के लिए आते हैं। उन रॉबर्ट्स का लीडर अपने भाई से कहता है कि तुम जाकर पैसों को बेसमेंट में छुपा दो, ताकि अगर हमें पुलिस पकड़ भी ले तो हम वापस आकर उन पैसों को ले सकें। इसके बाद जब उसका भाई बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारा खून फैला हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी कोई उसे बेसमेंट में खींच लेता है और उसे जख्मी कर देता है। इसी तरह लीडर के सभी आदमियों को वो अननोन चीज खींच कर ले जाती है और उन्हें जान से मार डालती है। लीडर ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वो क्रिएचर उसके पैर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। लेकिन लीडर नहीं रुकता और किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम वहाँ पर पीनेंस लेन लिखा हुआ देखते हैं। इसके बाद कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर पीनेंस लेन में मैथ्यू नाम का एक आदमी आता है और वहाँ आने का उसका कोई मकसद था। इसके बाद हम सैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में होती है। उसका बॉयफ्रेंड उस एरिया के शेरिफ का बेटा होता है, जिस वजह से उससे सब लोग डरते थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरी उसे मना कर देती है। ये सुनकर वो सैरी को थप्पड़ मार देता है। तभी मैथ्यू वहाँ आकर ये देख लेता है। फिर वो उस लड़के को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे बुरी तरह मारता है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की पर हाथ उठाने की। ये सब देखकर सैरी भागते हुए एक कैफे में जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। तभी मैथ्यू भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ काम ढूंढने आया था। इसके बाद सैरी अपनी मॉम को बताती है कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर उसकी मॉम उसके पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है। साथ ही वो उसे फ्री खाना सर्व करती है और पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैथ्यू उससे कहता है कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ और अगर मुझे कोई भी काम यहाँ पर मिल जाए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। इस पर सैरी की माँ कहती है कि इस बारे में हमें फादर जॉन से बात करनी होगी, क्योंकि वही यहाँ के हर चीज के ऑनर हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इससे पहले मैथ्यू जेल में था, जहाँ वो एक कैदी के साथ चेस खेलता था और उससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद मैथ्यू जब कैफे से बाहर निकलता है तो तभी वो सैरिफ उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। मैथ्यू उससे कहता है कि गलती तुम्हारे बेटे की थी, क्योंकि उसने उस लड़की पर हाथ उठाया था। इसके बाद मैथ्यू फादर जॉन के एड्रेस पर जाता है, जो कि उसी घर के बाहर खड़ा था जहाँ पर स्टार्टिंग में उन रॉबर्ट्स को मारा गया था। वो वहाँ पर सूट पहने दो आदमियों को देखता है, जो फादर से मिलकर जा रहे होते हैं। फिर मैथ्यू जब फादर से मिलता है तब फादर उसे इस घर की साफ सफाई करने का काम देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों में ही ये घर साफ करना होगा और तब तक तुम यहाँ पर रह भी सकते हो। मैथ्यू उस काम के लिए मान जाता है और उससे सामान लेने जाता है। इधर हम दो स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि इस घर में मस्ती करने के लिए आते हैं। फिर वो सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक होता है। ये देखकर एक स्टूडेंट पीछे के डोर से उसे खोलने जाता है। तभी दूसरे स्टूडेंट को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि उसका दोस्त अंदर चला गया है। फिर जब वो गेट के पास जाता है तो तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। उसका दोस्त जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो देखने के लिए अंदर जाता है और तभी उसे भी कोई खींच कर मार देता है। इधर मैथ्यू उसी कैफे में जाता है, जहाँ पर उसे सैरी की माँ मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पर काम मिला। इस पर वो बताता है कि फादर ने मुझे वो घर साफ करने का काम दिया है। वहाँ पर एक पागल आदमी होता है, जो मैथ्यू को घूर रहा था। ये देखकर मैथ्यू सैरी की माँ से उसके बारे में पूछता है। इस पर वो उसे बताती है कि ये आदमी एक टाइम पर बहुत अमीर हुआ करता था और इस एरिया में सबसे ज्यादा जमीन उसी के पास थी। उसकी एक वाइफ एनी भी थी, जो कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत थी। लेकिन जब से फादर जॉन यहाँ पर आए तब से उसे पता नहीं क्या हो गया, वो पागल हो गया और अपनी वाइफ से भी अलग हो गया, और तभी से वो पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा है। इसके बाद रात में जब मैथ्यू उस घर की तलाशी लेता है तो तभी उसे जमीन पर खून मिलता है। फिर जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लोहे की दीवार है। तभी वहाँ पर उसे एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें रे नाम के एक आदमी के फैमिली के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा था कि रे गरीब हो गया और उसकी वाइफ और बेटी दोनों गायब हो गए। इसके बाद मैथ्यू जब अपने कमरे में सोने जाता है तो तभी एक अनजान लड़की उसके कमरे में आती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। उस लड़की के हाथ में चाकू होता है। वो उसे घूर कर वहाँ से चली जाती है।
तभी मैथ्यू की आँख खुल जाती है और उसे किसी की आहट सुनाई देती है। तभी कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है, जिस वजह से वो अपने दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। अगली सुबह मैथ्यू से मिलने सेरी और उसकी माँ आते हैं। यहाँ वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। इसके बाद मैथ्यू उनका ब्रेकफास्ट लेता है और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ खतरा लग रहा है। इसके बाद वो गन शॉप में गन खरीदने के लिए जाता है, पर वहाँ का ओनर उसे गन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं रहता था। ये सुनकर मैथ्यू अपने दोस्त को बुलाता है और उससे गन लेता है। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम गन का ढंग से इस्तेमाल करना। इधर वो शेरिफ सैरी के पास आता है और उससे अपने बेटे के लिए माफी मांगता है। सैरी कहती है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया है और फिर भी तुमने उस पर केस नहीं दर्ज किया और ऊपर से उसी की तरफ से बोल रहे हो। तभी शेरिफ उससे कहता है कि जिस आदमी पर तुम भरोसा कर रही हो वो अच्छा इंसान नहीं है। सैरी कहती है कि वो जैसा भी हो उसने मेरी जान बचाई है। रात में मैथ्यू उस घर की तलाशी लेता है। फिर वो उस बेसमेंट के लोहे वाले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। इसके बाद वो जाकर सो जाता है। तभी रात में उसे किसी की आवाज आती है। फिर जब वो उठता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे मस्ती करने के लिए आए हैं। फिर वो उन बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर एक लड़का कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर मैथ्यू उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम सभी यहाँ से जा रहे हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि काफी अजीब थे। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं और उनमें वो लड़की भी शामिल थी जिसके चेहरे पर मास्क था। ये देखकर मैथ्यू उन सभी से लड़ता है और उन्हें खूब मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेल में मैथ्यू का दोस्त कोई और नहीं बल्कि उन रॉबर्ट्स का लीडर था, जिसने उसे उस घर का पता बताया था और कहा था कि उसके भाई ने उस घर के बेसमेंट में पैसे छुपा रखे हैं। इसलिए अगर यहाँ से बाहर निकलकर वो उन पैसों को ले लेगा तो उसमें से वो उसे आधा देगा, और इसी काम से मैथ्यू वहाँ से गया था। इधर मैथ्यू जब उस घर से जा रहा होता है तो तभी शेरिफ उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बिना लाइसेंस की गन है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। तभी वो मैथ्यू के सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन शेरी मैथ्यू से मिलने जाती है, पर देखती है कि मैथ्यू घर में नहीं है। फिर जब वो बेसमेंट की तरफ जाती है तो तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके साथ में मैथ्यू भी बंधा हुआ था। यहाँ का नजारा देखकर शेरी बहुत डर जाती है। वो मैथ्यू से पूछती है कि ये लोग कौन हैं। इस पर मैथ्यू कहता है कि ये फ्रीक्स हैं जो हमें मारने वाले हैं। तभी वो मास्क वाली लड़की वहाँ पर आती है और शेरी के गले पर चाकू रख देती है। मैथ्यू उससे कहता है कि तुम उससे मत मारो। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो मैथ्यू को उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो लोग मैथ्यू को स्ट्रेचर पर बांध देते हैं। तभी मैथ्यू अपने सामने फादर जॉन को देखता है, जो कि ये सब करवा रहा था। फिर मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर फादर उसे बताता है, जब से वो यहाँ पर आया है तब से उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें वो लोगों को पकड़ता है और उनके ऑर्गन्स निकालता है। फिर वो उनके ऑर्गन्स को अपने क्लाइंट्स को सेल करता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाता है। इधर शेरी को वो आदमी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे बांधने वाला था। तभी शेरी उसके मास्क पर हाथ लगाती है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है। तभी शेरी देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि शेरिफ है, यानी कि वो भी फादर जॉन से मिला हुआ है। इधर मैथ्यू फादर जॉन से पूछता है कि तुम शेरी के साथ क्या करने वाले हो। इस पर जॉन उसे बताता है कि वो शेरी से बच्चे पैदा करवाएगा, क्योंकि उसके क्लाइंट बच्चों का मांस खाते हैं ताकि वो जवान रहें। इधर शेरी को उन्होंने बांध दिया होता है। तभी वो आदमी अपने साथ एक फ्रीक को लेकर आता है ताकि वो शेरी के साथ करे। ये देखकर शेरी जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी मैथ्यू उसकी आवाज सुन लेता है। तभी वो जोर लगाकर खुद को छुड़ाता है और फादर पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो शेरी के पास जाता है और उस फ्रीक और आदमी को मारता है। तभी उसे फ्रीक के हाथ पर एक टैटू दिखता है, जो कि वही टैटू था जो कि उसके दोस्त के हाथ पर था। ये देखकर वो समझ जाता है ये उसके दोस्त का भाई है, जिसे इन लोगों ने एक फ्रीक बना दिया है। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके भाई को जानता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। ये
देखकर वो उसका गला मोड़कर उसे मार डालता है। फिर वो शेरी को छुड़ाता है और अपने साथ लेकर जाता है। तभी वो मास्क वाली लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मैथ्यू उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। ये सुनकर वो लेडी उन्हें इशारों में रास्ता बताती है। फिर मैथ्यू और शेरी उस रास्ते से जाते हैं। वहाँ पर एक टनल होती है। इधर फादर शेरिफ से कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई यहाँ से भागा है। वो उसे किसी भी हालत में उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर शेरिफ उस मास्क वाली लेडी से पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। ये देखकर शेरिफ उसे पीटता है। इधर मैथ्यू और शेरी टनल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक पुराना गैराज होता है। मैथ्यू शेरी से कहता है कि तुम यहाँ से भागकर तुरंत अपनी मॉम के पास जाओ और मेरा काम अब खत्म हो चुका है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शेरी उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर मैथ्यू उससे कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ पैसे के सिलसिले में आया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद मैथ्यू जब वहाँ से निकलता है तब वो कैफे के सामने एक गाड़ी को देखता है जो कि उन लोगों की गाड़ी थी जो फादर जॉन से मिलने आए थे। तभी वो चुपके से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। इधर शेरी भागते हुए अपनी मॉम के पास पहुँचती है और उसे फादर के बिजनेस के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ को पहले से ही सब कुछ पता था इसीलिए वो शेरिफ को वहाँ पर बुलाती है और उसे उसके हवाले कर देती है क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं थी। इधर मैथ्यू गाड़ी से उतरकर उन दोनों को बुरी तरह पीटता है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ फादर से मिलने क्यों आए थे। वो उसे बताता है कि हम लोग ऑर्गन को इकट्ठा करके उन्हें क्लाइंट्स तक पहुँचाते हैं और हमें फादर का कॉल आया था क्योंकि उनके पास एक बॉडी रेडी है और तुम उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे फोन में देख सकते हो। फिर जब मैथ्यू उसके फोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जिस बॉडी की बात कर रहा है वो शेरी की है और वो उसके ऑर्गन निकालने वाला है। ये देखकर मैथ्यू उस आदमी को वहीं पर मार देता है। फिर वो उसकी गाड़ी की डिग्गी खोलता है जिसमें उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो उन पैसों को लेकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी वो शेरी के बारे में सोचता है इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इधर फादर ने शेरी को बांध रखा था। वो उससे कहता है तुम्हारी जिंदगी यहीं तक थी क्योंकि अब वो उसका पेट फाड़कर उसके सारे ऑर्गन्स निकालेगा। फिर जब वो उसका पेट फाड़ने जाता है तो तभी मैथ्यू एक औजार लेकर आ जाता है और वो फादर के पेट पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर शेरिफ वहाँ से भागता है और अपने बेटे को कॉल करता है। वो उससे सभी आदमियों को लेकर आने के लिए कहता है। इधर मैथ्यू शेरी को छुड़ाता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। शेरी वहाँ से भागने लगती है तभी एक फ्रीक वहाँ आकर मैथ्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह मैथ्यू उस फ्रीक को मार डालता है। इधर बाहर वो सभी लोग आ जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरे गांव वाले मिले हुए हैं और उन्हें पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इधर शेरिफ शेरी को पकड़ लेता है। तभी फादर वहाँ पर आता है और उससे उसे ना मारने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उसके ऑर्गन्स की जरूरत है, पर तभी शेरिफ फादर के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। वो उसे बताता है कि अब से ये धंधा मैं चलाऊंगा जिससे अब सारा प्रॉफिट मेरा होगा। तभी मैथ्यू वहाँ पर आता है। ये देखकर शेरिफ शेरी को पकड़ लेता है। मैथ्यू उसे शेरी को छोड़ने के लिए कहता है। तभी शेरिफ अपने बेटे को अंदर बुलाता है। इधर वो मास्क वाली लेडी बाहर खड़ी एक लड़की को देखती है जो कि उसी की बेटी थी। दरअसल ये मास्क लेडी उस पागल रे की वाइफ थी और वो लड़की उसकी बेटी थी जिसे अब फादर ने किसी और के हवाले कर दिया था। इधर मैथ्यू किसी तरह शेरिफ और उसके बेटे को मार डालता है। ये देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू उस मास्क लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। तभी वो लेडी उसे अपनी लॉकेट दिखाती है जिसमें उसके बेटी की तस्वीर थी। ये देखकर मैथ्यू उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन मैथ्यू शेरी को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाता है और उससे कहता है कि अब तुम इस गांव को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ। वो उसे पैसों से भरा बैग देता है और उसे नई जिंदगी जीने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त की बाइक से वहाँ से चला जाता है। मैथ्यू अपने दोस्त को जेल में एक लेटर भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि उसे वो पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी वो उस बैटल को जीत गया है। ये देखकर उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो हंसने लगता है। इधर हम उसी पागल रे को देखते हैं जो कि उसी घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। वो अपनी वाइफ को भी खाना देता है जिसे वो खाने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।